फ्रेंड, तो आज आप सभी लोगों का हमारे एक नई वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमारे पास टोयोटा कंपनी की यारिस गाड़ी आई हुई है। फ्रेंड, इसमें कस्टमर जी का कंप्लेंट क्या है कि गाड़ी जब स्टार्ट करते हैं या रनिंग करते हैं तो उस पर मीटर पे एक लाइट आता है। तो किस चीज़ का लाइट है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो हम गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए हमने गाड़ी स्टार्ट कर दिया है। ये देखिए हमारे मीटर पे एक लाइट आ रहा है, देखिए ये देखिए। तो फ्रेंड, किसका लाइट है वो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ये लाइट क्यों आता है फ्रेंड, अगर आपके चारों टायर में किसी टायर में हवा कम है या उसमें सेंसर भी आता है, कोई सेंसर का आपका प्रॉब्लम है तो भी ये लाइट आता है। तो सबसे पहले तो हम इसका चारों टायर में हवा चेक करेंगे कि हवा बराबर है कि नहीं। अगर हवा बराबर रहेगा तो इसका हम एक बार मैनुअल रिसीट करके देखेंगे। मैनुअल अगर रिसीट, अगर सेंसर आपका ओके रहेगा चारों, तो मैनुअली बटन से रिसीट हो जाएगा। वो भी हम आपको बताएंगे कि वो रिसीट किस तरह किया जाता है। सबसे पहले तो हम इसका हवा चेक कर लेते हैं, हवा चेक करके फिर आपको बताते हैं। तो फ्रेंड देखिए, हम इसका हवा चेक कर रहे हैं। ये देखिए 32 इसमें हवा है, देखिए। तो फ्रेंड इसी तरह प्रकार से हम चारों टायर में हवा चेक कर लेते हैं, फिर हवा चेक करके आपको दिखाते हैं। बराबर है, हाँ ठीक है, आ जाइए। तो हमने राइट साइड का दोनों टायर में हवा चेक कर लिया है, अब हम लेफ्ट साइड का चेक करते हैं। किसी में अगर बराबर है, ठीक है, आगे देखिए, अगर किसी में कम ज़्यादा रहेगा तो हम हवा भर देंगे, नहीं रहेगा तो फिर हम एक बार इसका मैनुअली रिसीट करके देखेंगे। देख सकते हैं इसमें बराबर है, ठीक है, आ जाइए। तो फ्रेंड हम इसको मैनुअली रिसीट करते हैं और रिसीट करके आपको दिखाते हैं किस तरह रिसीट किया जाता है। अगर हमारा सेंसर बराबर रहेगा तो रिसीट हो जाएगा, इसका लाइट चला जाएगा। नहीं सेंसर बराबर रहेगा तो फिर हम स्कैनिंग करके चेक करेंगे कि कौन से व्हील का प्रॉब्लम है सेंसर का, ठीक है। पहले हम मैनुअली रिसीट करके आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको गाड़ी बंद कर देना है, देखिए हमारा गाड़ी बंद है। गाड़ी बंद करने के बाद फिर आपको बिना ब्रेक पेडल टच किए आपको इग्निशन ऑन करना है। देखिए इस प्रकार से आपको इग्निशन ऑन करना है, ये हमने इग्निशन ऑन कर दिया है। फिर इसके नीचे देखिए यहाँ पे एक बटन है, हम आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे एक बटन है, देखिए नीचे ब्रेक पैडल के एकदम जस्ट ऊपर, इसको आपको 3 बार प्रेस करना है, 1 2 3। ये देखिए, तो ये हमारा लाइट देखिए चला गया है। अब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं, देख सकते हैं आप, ये हमारा लाइट देखिए ऑटोमेटिक चला गया है, ठीक है फ्रेंड, ठीक है। तो हमने जैसा कि आपको बताया था कि नीचे बटन है ब्रेक पेडल के ऊपर, डैशबोर्ड के नीचे, तो आपको बटन को 3 बार पुश करना है, 1 2 3, और 3 टाइम में दबा कर थोड़ा रखना है। तो एक बार और हम स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं। देखिए हमने फिर से एक बार स्टार्ट किया है, चेक किया है, देखिए कोई लाइट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा, इसका मतलब ये सेंसर का प्रॉब्लम नहीं है। अगर फ्रेंड सेंसर का प्रॉब्लम रहेगा तो आपका ये ऑटोमेटिक लाइट जाएगा नहीं, जाकर फिर तुरंत 10 सेकंड बाद चला आएगा। अभी हमारा कोई भी लाइट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड ये मैनुअली एयर का रिसीट करने का एक वीडियो था। अगर आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए।